हाय गाइस, आज हम बनाएंगे पनीर के पराठे। इसके लिए पहले अपना आटा गूंथ लेते हैं। आटे में ऑयल, नमक और जो कुछ भी आप डालते हो, जैसे पूरी में डालते हैं वैसे डाल के गूंथ लें। वैसे तो हम लोग जब भी आटा गूंथते हैं उसमें तेल और नमक जरूर से डालते हैं, अगर आप डालते हैं तो डाल सकते हैं। आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, आप इसको खूब मिलाएं ताकि पराठा क्रिस्पी बने जितना हो सके उतना अच्छे से। तो मैंने आटा अच्छे से गूंथ लिया है, अच्छे से गूंथ लें। गूंथने के बाद इसको ढक कर अच्छे से रख दें। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए होगा प्याज, मिर्च और धनिया पत्ता। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको एकदम बारीक बारीक काट लेते हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा ही रहना चाहिए ताकि पनीर में प्याज प्याज अच्छा लगता है। अब मैं आपको मसाला तैयार करके दिखाती हूँ। और जो भी अनियन वगैरह उसको एकदम आपको बारीक बारीक काटना है ताकि वो जो पनीर है आपको पूरी तरह मिक्स हो जाए पनीर के साथ। देखिए मैंने कितना पतला पतला एकदम छोटे छोटे पीसों में काटा है। इसी तरह आपको भी काटना है। मैंने सब कुछ एकदम बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता और होना चाहिए पर ठीक है, चलेगा। बस इतनी पनीर है। देखिए मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ अनियन जो मैंने बारीक बारीक काटा था, मिर्च और धनिया पत्ता। तो देखिए मैंने जो जो काटा था सब डाल लिया है। इसमें हम कुछ कुछ मसाले भी ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का। ब्लैक पेपर पाउडर और डाल लेंगे अजवाइन और मंगरेल। हमारे यहाँ तो अजवाइन और मंगरेल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। और अब बस बचा है नमक, तो वो हम तब डालेंगे जब हमें बनाना होगा। तो क्योंकि अगर हम नमक पहले डाल दिए तो पानी पूरा बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, तो इसलिए नमक बनाते वक्त ही डालेंगे। ये रहा मेरे पनीर का मसाला, अभी इसमें नमक डालना बाकी है। तो अब पनीर को अंदर भरने के लिए दो पराठा बेल लेंगे।